नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबर में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर आए, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले, किस टॉपिक पे, अगर आप लोग एएलपी का फॉर्म फिल किए हो, ठीक है, अगर आपने एएलपी का, रेलवे एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म को फिल किया है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। यानी कि ये वीडियो आपको पूरी ही देखना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी परेशान में रहते हैं कि आखिर हमको एएलपी का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। उनको ये ही नहीं पता है कि अभी हमको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि एएलपी बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आखिर क्या क्या टॉपिक से, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पर्पल के अपडेट के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं, अगर आप एएलपी का आपने फॉर्म को फिल किया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि सबसे पहले अगर आपने एएलपी का फॉर्म को फिल किया, तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन फोर स्टेज एज फॉलोज, यानी कि फोर स्टेज पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फोर स्टेप के बाद एक पांचवा स्टेप होता है, वो मेडिकल होता है। यानी कि सब कुछ क्लियर होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, आफ्टर आपका सबसे पहले आपका फिर मेडिकल होता है, उसके बाद यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि पांच स्टेप मान के चलिए आप। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी फर्स्ट होता है, उसके बाद सीकेटी यानी सेकंड स्टेज आपका सीबीटी टू होता है, उसके बाद थर्ड स्टेप आपका आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, साइको टेस्ट भी बोलते हैं। लास्ट में अगर इन सारे स्टेप से आप क्लियर कर लिए, तो आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन आपका मेडिकल होता है, लास्ट आपकी ज्वाइनिंग, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। आपका इन सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दोस्तों आप देख सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम अगर असिस्टेंट लोको पायलट का हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, तो आपका सीबीटी फर्स्ट में किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देख सकते हो आपके जो क्वेश्चन जो आते हैं, मैथ आता है 20 नंबर की आपकी मैथ आती है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस आपकी 20 नंबर की आती है, जनरल अवेयरनेस इज करंट अवेयर, यानी कि आपसे इसमें करंट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस को क्वेश्चन भी आते हैं, वो 10 नंबर के बनेगा। टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात कर लें, आपका 75 नंबर आएगा। टोटल ड्यूरेशन यानी टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट, यानी कि एक घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा वो रेशियो आपका देख सकते हो, यहाँ पर आपका आपका सबसे ज्यादा रेशियो जो है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का है और साइंस का है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया या मैथ आपने कवर कर लिए, तो आपका सीबीटी फर्स्ट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आखिर इन टॉपिक को, अगर आप देख सकते हो तो इसको आखिर हम लोग का डिटेल सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रेलवे की ऑफिशियल जो साइट निकली है, ऑफिशियल नोटिस निकली थी ना रेलवे की ऑफिशियल नोटिस, तो वहां पर हम ले चलते हैं आपको। तो इस नोटिस में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ आखिर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है एएलपी बनने के लिए, तो अगर आपने देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हो एएलपी अगर आप बनना चाहते हो, यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, देन आपका सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट होता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन मेडिकल होता है। बता दिया मैंने आपको, ये सारा चीजें होती है। उसके बाद आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से, किस किस क्वेश्चन से पूछा जाएगा। मैथ देखिए, मैथ के ये टॉपिक सारे लिखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। मैथ अगर आप तैयार करो तो इन इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पर दे रखा है रेलवे ने जब आपका सिलेबस, तो डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के लिए ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, रिलेशंस हो गया, सिलोजियम्स हो गया, और डायग्राम डेटा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में पढ़नी, मेंटल एबिलिटी है। देन जनरल साइंस में आपका जो यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन है, क्या लिखा है, जनरल साइंस के लिए आपका लिखा है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th की एनसीईआरटी आप उठा लीजिए, अगर उसको भी आपने पूरा कवर कर लिया तो साइंस आपके लिए कुछ नहीं, यानी 20 नंबर आपके जो है अच्छे से बन सकते हैं। 20 नंबर में आप आराम से 18 नंबर और 20 नंबर, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 18 नंबर तो आप ले आ सकते हो,
साइंस में जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर देखिए दे रखता है। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर आएगी आपकी, करंट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ठीक है, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर जब ये आपका सीबीटी फर्स्ट आपका जब निकल जाएगा, सीबीटी फर्स्ट अब जब आपका निकल जाएगा तो उसके बाद आपका होगा सीबीटी टू, ठीक है, सीबीटी टू में आपका क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। सीबीटी टू में भी आप लोगों का क्या होता है, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए होता है प्लस पार्ट बी, ठीक है, ये दो आपके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन की संख्या आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पर जो पार्ट ए में 90 मिनट आपको मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन मिलने आते हैं, ठीक है। पार्ट बी में आपका जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म को फिल किया तो वो ट्रेड वाइड आपका क्वेश्चन होता है, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको क्वेश्चन में मिलता है। टोटल टाइम की बात अगर कर लें तो 2 घंटा 30 मिनट आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा 175 क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप अगर सीबीटी टू निकाल ले तो उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है, ठीक है, साइको टेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, यानी कि आपका 40% से कम नीचे मार्क्स आता है ये ओबीसी वालों के लिए, तो आप यानी कि सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे, तो ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है, और सीबीटी सेकंड का जो सीबीटी टू का आपका जो सिलेबस है यहाँ पर दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, सीबीटी टू का आपका ये आपका भी दे रखा है पूरा सिलेबस। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों से, जो आप अगर एलपी बनना चाहते हो तो ये सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, इतने स्टेप होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड की